एक महिला बहुत श्रृंगार की, लिपस्टिक ब्यूटी पार्लर से चमक धमक के लीपा पोती करके बिल्कुल बाल लाल कटा के पहुंच गई किसी की शादी में। अब जैसे ही पहुंची, उम्र तो थी 60-70 की, लेकिन दिल है कि मानता नहीं है। सज धज के पहुंच गई, शादी में बैठ गई, बाजू में बूढ़ा पति बैठ गया। उसने कहा, देखो मैं कितनी अच्छी लग रही हूं। अरे बोले, बहुत अच्छी लग रही तू तो, बहुत अच्छी लग रही है। बोले, देखो वो आदमी मुझे घूर घूर के देख रहा है। उस बुढ़े ने देखा, बोले हाँ देख तो रहा है घूर घूर के। बोले, देखो मैंने कहा था ना, थोड़े अच्छे से रहा करो, सच सवर के रहा करो, कैसा घूर घूर के देख रहा है। उसने कहा, पागल ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत सोच। बोले, क्यों? बोले, कबाड़ी है, भंगार देख रहा है। टूटा फूटा कबाड़ा लेता है, 60 साल की बुढ़िया को देख रहा है तो कबाड़ी होगा, भंगार बेचने वाला होगा। ध्यान रखिए मान्यवर, चेहरे सुंदर से कुछ नहीं होता, चरित्र सुंदर बनाइए। मैं मानता हूं कि जीवन में पहला आकर्षण चेहरे का। जब आप किसी से मिलते हैं, शादी करते हैं, लड़का लड़की देखने जाता है, क्या देखता है? चेहरा देखा करता है ना, पहला आकर्षण चेहरे का होता है। लेकिन एक बात बताना युवाओं, चेहरे का आकर्षण, फर्स्ट इंप्रेशन किसका होता है? जब मैं यहां प्रवेश किया, सबसे पहले तुमने क्या देखा? मेरी भाषा देखी, व्यवहार देखा, या क्या देखा? चेहरे ही देखा ना। किसी के यहां बहू आती है, सबसे पहले क्या देखा जाता है? चेहरा। अब नहीं, पहले आती थी पर्दे में, अब तो वो काय को, आदमी को, ससुर जी को शर्म लगे तो चेहरा ढाक लो, वो तो खुलेआम आती है। ध्यान रखना, चेहरे का आकर्षण सबसे पहला होता है। सूत्र दे रहा हूं जीवन जीने का। दूसरा आकर्षण भाषा का होता है, कैसे बोलते हो आप। ध्यान रखिए एक बात याद रखना, सुंदर चेहरा ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन सुंदर चेहरा कितने दिन अच्छा लगेगा? 6 महीने, साल भर, उसके बाद वही चेहरा देख देख के बोर हो जाता है आदमी, ऊब जाता है आदमी। एक चेहरा ज्यादा दिन सुंदर नहीं लगता है। दूसरा प्रभाव भाषा का, आप कैसी भाषा बोलते हैं, आपके वचन सभ्य हैं या असभ्य हैं, आप शिष्ट भाषा बोलते हैं या अशिष्ट भाषा बोलते हैं। चेहरे से आकर्षण होता है, भाषा से जुड़ाव हुआ करता है। ध्यान रखना, आप किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे शब्द। फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वह चेहरे का होता है, सेकेंड इंप्रेशन जो होता है वह भाषा का होता है, और तीसरा जो इंप्रेशन होता है वह व्यवहार का इंप्रेशन होता है। और एक बात याद रखना, चेहरे का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, भाषा का आकर्षण ज्यादा दिन नहीं टिकता है, लेकिन जीवन में सबसे बड़ा आकर्षण जो होता है, जो 7 जन्म की कसमें खिलाता है, वो व्यवहार का आकर्षण हुआ करता है। जो कहा जाता है कि जन्म जन्म का साथ है हमारा, 7 जन्मों की कसम। ध्यान रखना, चेहरे से नहीं खाई जाती, वो खाई जाती है आदमी के व्यवहार से। और यदि आपका व्यवहार गड़बड़ है ना, तो यही पत्नी कहेगी, भगवान ये मेरा आखिरी जन्म होना चाहिए, दोबारा ये मिलना नहीं चाहिए। चेहरा, ध्यान रख, व्यवहार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हुआ करती है। यदि मेरे ज्ञान गंगा महोत्सव के एक एक सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया, तो मैं कहूंगा ये जिंदगी जीने के लायक हो जाएगी। आपको अपनी जिंदगी से प्यार हो जाएगा, आपको अपने जीवन से प्यार हो जाएगा, वरना जीवन में नफरत ही नफरत भरी हुई है। ध्यान रखना, गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, जो आया है उसकी मौत तो जरूर होगी। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि आदमी जिंदा रहकर भी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखना, जिंदा होकर भी मरे मरे की तरह जीते हो। आदमी के किसी को हाथ मिला लेना, आजकल ऐसे हाथ हो गए लड़कों के, मरे मरे से जैसे किसी मुर्दे से हाथ मिला रहे हो, जोश ही नहीं बचा जिंदगी में। थके हुए, हारे हुए, नीरस सा जीवन जी रहे हो, मुरझाए हुए पुल सा जीवन जी रहे हो। मान्यवर, धूल में पैदा हुए हैं, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जितने दिन जिएंगे फूल सा मुस्कुराएंगे।
मुस्कुराते हुए जिंदगी, क्या उदास उदास जिंदगी जीते हो? उदासी जिन चेहरों का श्रृंगार करती है, मक्खी भी उन पर बैठने से इनकार करती है। जो समय से पहले मर गए उनसे पूछना, उनकी कब्रों में जाकर पूछना, उनकी चिताओं से पूछना कि तुमने जो आत्महत्या कर ली है कैसा लग रहा है। शायद यदि सुनने वाले कान होंगे तो जलती चिता से आवाज आएगी, कब्र के भीतर से आवाज आएगी कि भाई साहब जो गलती मैंने की है वो जिंदगी में तुम कभी ऐसी गलती कभी मत करना। मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली, इतना मनुष्य तन मिला और समय से पहले इस मनुष्य तन को नष्ट करो। जीवन की आखिरी सांस तक ईमानदारी से जियो, जिंदगी की जंग लड़ करके जियो, जिंदगी उसी का नाम हुआ करता है। मरने की बातें मत करिए, ध्यान रखना। एक बात मैं आपसे पूछूं, रात के अंधेरे में दिया बुझा दोगे तो अंधेरा बढ़ेगा या मिटेगा? आपसे पूछना चाहता हूं। अंधेरों में दिया बुझाओगे तो अंधेरा और गहरा हो जाएगा। जिंदगी में निराशा उदासी के अंधेरे छाए हैं और जीवन का दिया बुझा लोगे तो अंधेरे मिटेंगे नहीं मेरे भाई, अंधेरे और लंबे और गहरे होते चले जाएंगे। दिया बुझाना कोई समझदारी का काम नहीं होता है। आदमी आत्महत्या करने को तैयार हो जाया करता है। और एक बात याद रखना, कोई व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है, सुसाइड करता है ना, तो फांसी के फंदे पे वो अकेला नहीं झूला करता है। देखने को तो लगता है कि अकेला आदमी मर गया, दुनिया से चला गया। नहीं मेरे भाई, जब कोई आदमी फांसी के फंदे पर लटकता है, अकेला वो ही दम नहीं तोड़ता है, दम तोड़ती है उसके आंगन में उतरने वाली एक एक खुशी दम तोड़ा करती है। वो जब कोई आदमी दम तोड़ता है, फांसी लगाकर आत्महत्या करता है, वो अकेला नहीं मरता, मरता है किसी नारी का सुहाग, मरती है किसी माँ की ममता, मरता है किसी पिता का ताकत, मरती है किसी बच्चों का भविष्य। एक फांसी पे नहीं झूलता है, बच्चों का भविष्य भी फांसी पे लटक जाता है, माँ की ममता फांसी पर लटक जाती है और किसी अबला का सुहाग फांसी पर लटक। एक की मौत नहीं होती है। और हकीकत बताऊं सूरत वालों, फांसी लगाकर आग लगाकर जो आत्महत्या करते हैं, जो लोग मर जाते हैं, हकीकत में मौत उसकी नहीं होती, मौत तो उनकी होती है जो जीवित रहा करते हैं। ध्यान कभी दुनिया में हकीकत में देखा जाए तो ज्यादा बातें करने जैसी भी नहीं होती, दो चार बातें ही हैं दुनिया में जो करने जैसी होती हैं, शेष तो सब बातों की बारात हुआ करती है। हालांकि बोलने को कहा जाए तो मैं इतना बोलूंगा इतना बोलूंगा इतना बोलूंगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं इतनी कहता हूं, मैं यहां बैठकर समय सार की गाथाएं, गीता के श्लोक, कुरान की आयतें सुना सकता हूं, लेकिन जहां तक मैं सोचता हूं कि बड़ी बड़ी बातों से बहुत बड़ी क्रांतियां नहीं हो पाई, छोटी छोटी बातों ने आदमी के जीवन को बदल के रख दिया है। बातें बहुत छोटी हैं और बातें यदि करने बैठ जाओ तो ज्यों ज्ञानी की ज्यों केले के पात में पात पात में पात, ज्यों केले के पात में पात पात में पात, और त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात, बात पे बात निकलते जाती है। सही होगा या नहीं ये तो दूसरी बातें करूंगा, फिर विचार करना है। छोटी छोटी बातों को कभी जीवन में नजरअंदाज मत करो। बातें छोटी होती हैं लेकिन परिणाम बहुत बड़े हो जाते हैं। यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताना मुझे, इतनी लोग यहां बैठे इस पंडाल में, आज तक किसी को हाथी ने काटा? यहां रोज हाथी घूमता है, उसके बाजू से भी निकल जाओ उसके ऊपर भी लोग बैठ जाते हैं, जुलूस में भी आगे चलता है, कभी किसी ने किसी को हाथी ने काटा? अजित हाथी ने नहीं लाओ, हाथी ने किसी को नहीं काटा, शायद कोई भी नहीं होगा पूरी जिंदगी 100 साल की जी लेगा, हाथी ने किसी को नहीं काटा होगा।
हाथी बहुत बड़ा प्राणी है ना, किसी को नहीं काटता है। एक बात बताओ, किसी को मच्छर ने काटा? बोलो, एक आध बार जिंदगी में कभी? जिन जिन को काटा हाथ उठाओ जरा। ओ मेरे बाप, सबको मच्छरों ने काटा है। हाथी ने किसी को नहीं काटा और मच्छर ने सबको काटा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मच्छर बहुत छोटा है और हाथी बहुत बड़ा होता है। और कभी कभी जिंदगी में बड़ी बड़ी समस्याएं वो नहीं बनती जो छोटी समस्या बहुत बड़ी बन जाए। हाथी किसी को नहीं काटता है, लेकिन एक मच्छर काट दे और वो भी डेंगू काट दे, मलेरिया काट दे, बड़े से बड़े एक इतना सा मच्छर, एक इंच की भी उसकी हाइट है आपका, है ना? नहीं है, एक इंच का भी वह मच्छर नहीं होता है, लेकिन एक छोटा सा मच्छर 5 फीट के आदमी को पलंग पर लिटा दिया। करो, एक मच्छर लिटा देगा आपको पलंग पे। ध्यान रखना, डेंगू का काट ले, मलेरिया का काट ले, चिकनगुनिया हो जाए, आदमी का उठना मुश्किल हो जाएगा। ध्यान रखिए, एक छोटा सा मच्छर, छोटे लोगों को नजरअंदाज मत करिए, छोटे लोगों को छोटे में मत लीजिए, छोटी बातों को छोटी कह करके छोड़िए, लापरवाही मत करना जिंदगी में। ये मत सोचना अरे वो छोटा सा क्या कर लेगा हमारा, बहुत कुछ कर लेगा। कई लोग तो डेंगू में ऐसे घायल हुए कि दुनिया से चले। हाथी से ज्यादा खतरनाक बोलो मच्छर होता है। संभल के रहो मच्छरों से। मच्छर हाथी हर गली में नहीं मिलेगा, मच्छर हर गली में, हर मोहल्ले में, हर जगह मच्छर मिलेगा, घरों में मच्छर मिलेगा, ऑफिस में मच्छर मिलेगा, और तो और अब मंदिरों में भी मच्छर। देखो मच्छर कहाँ नहीं, हर जगह मच्छर है। मच्छरों से सावधान, काटेंगे लोग डेंगू मलेरिया फैलाएंगे। छोटी छोटी बातें, मेरे प्रवचनों में बातें हाथियों की कम होती है, मच्छरों की ज्यादा होती है। और मैं इस दुनिया को मच्छरों से बचाना चाहता हूं। हाथी से तो बच जाओगे, ध्यान रखना। मानिवर, बड़ी बड़ी बातें पंडितों से पूछना, बड़ी बड़ी कुरान की गहरी बातें मुल्ला मौलवियों से पूछना, मेरे से नहीं। मैं जे तो छोटा आदमी हूं, छोटी बातें मुझे आती है, ज्यादा बड़ी नहीं आती है। लेकिन एक बात याद रखना, मेरी छोटी बातें यदि तुमने ध्यान से अपने जीवन में उतार ली तो इसके परिणाम बहुत बड़े तुम्हारे जीवन में नजर आएंगे, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नजर। छोटी बातें हैं, ध्यान रखिए, फांस बहुत छोटी होती है लेकिन पीड़ा बहुत गहरी किया करती है। अरे तलवार का घाव उतना दर्द नहीं देता जितना छोटी सी फांस आदमी के जीवन में पीड़ा दे। छोटी छोटी बातें ध्यान रखिए, इनसे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और ये मत सोचो कि ये बातें शास्त्रों में नहीं लिखी हुई है, बातें शास्त्रों की ही है, कहने का तरीका अपना अलग अलग। यही बात तो शास्त्रों में कहा, लड़ो मत, अहंकार मत करो, गुस्सा मत करो, व्यवहार अच्छा रखो, शास्त्र भी यही बोलते हैं और मैं भी यहाँ पर यही बोलता हूँ। शास्त्रों की बातें जब तुम पढ़ोगे समझोगे। एक आदमी कल मेरे पास आए, बोले महाराज आपने तो आज मेरे ऊपर प्रवचन कर दिया। अरे मैंने कहा मैं तो तुझे जानता भी नहीं, तेरा नाम नहीं मालूम, तेरा परिचय नहीं मुझे, तेरे ऊपर कैसे कर दिया? बोले जब से प्रवचन में आ रहा हूँ जितने भी प्रवचन करते हो ऐसा लगता है मुझे टारगेट बना के। ध्यान रखना, समस्याएं सबकी वही है, दो चार समस्याएं हैं जीवन में। यदि मैं आपको पेन कॉपी दे दू और कहूं कि बताओ तो अपनी जिंदगी की समस्याएं लिखो, दो चार ही लिख पाओगे? 10 लिखने में पसीना आ जाएगा। आदमी को प्रॉब्लम कितनी है, वही छोटी छोटी समस्याएं हैं। आदमी के पास क्या नहीं है, यदि एक लिस्ट बनाया जाए तो जो नहीं है वो बहुत कम होगा और जो है वो बहुत ज्यादा हुआ करता है आदमी के पास। विचार करिए, लेकिन चार चीजों के लिए जिंदगी बर्बाद करता है, चार चीजें, छोटी मोटी समस्याएं। ध्यान रखिए, एक छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को जला के राख कर देती है। और एक चिंगारी ने सूरत में मालूम है आपको कितने बच्चों की जान ले ली, ध्यान रखना, एक छोटी सी चिंगारी। मालूम है अभी तो हुआ था अग्निकांड कोचिंग में, धूम करके जल गए बच्चे, जान नहीं बचा पाए, एक छोटी सी चिंगारी। चिंगारी
जिम्मेदारी को छोटा मत समझो। जेब में मत डालो मेरे भाई, ध्यान रखना। अपनी जेब में बंद करने के लिए गुरु बनाया है क्या? मैंने कहा एक बात ध्यान रख, अरे दीवारों पे तस्वीर लगाए वो सच्चा भक्त नहीं होता, दिलों में तस्वीर बसा ले वो सच्चा भक्त हुआ करता है। जो दिलों में बसा के रखता है, ध्यान रखें, धड़कनों में बसा के रखता है, इनमें क्या होगा? फोटो पेन में कुछ नहीं होता है, सब बेकार की चीज। मान्य मान महा विश्वरूप कर ही नीच गति जगत में। अहंकार से बचो, अहंकार बड़ा मीठा है। एक शराब वो होती है जो मुंह से पी जाती है और एक शराब वो होती है जो कान से पी जाती है। ध्यान रखना, मुंह से पी शराब तो चढ़ के रात सुबह उतर जाती है, लेकिन जो शराब कानों से पी जाती है उसका नशा जिंदगी भर भी उतरने वाला नहीं है। कान से प्रशंसा, अहंकार प्रशंसा ऐसी शराब है जो कानों से पी जाती है। ध्यान रखना, ज्यादा प्रशंसा के भूखे मत बनो कि मुझे प्रशंसा नहीं मिली, मुझे प्रशंसा नहीं मिली। अरे गुलाब को कोई गुलाब ना कहे तो क्या उसकी खुशबू में कोई फर्क पड़ा करता है? ध्यान रखिए, जरूरी थोड़ी है कि गुलाब को गुलाब कहो तभी वो महकेगा, जरूरी थोड़ी है हीरा को हीरा कहो तभी उसकी चमक दिखाई देगी। अरे गुलाब को गुलाब ना कहो तो भी महकता है, और हीरे को हीरा ना कहो तो भी हीरा चमकता है। ध्यान, किस प्रशंसा की बात करते हैं? प्रशंसा का भूखा आदमी, प्रशंसा के दो शब्द, सबसे ज्यादा प्रशंसा की भूखी ये महिलाएं, नहीं यहां वाली नहीं, बंबई वाली, तुम्हारी तो मैं आगे जाके करूंगा। ध्यान, इतनी भूखी, चार शब्द अच्छे बोल दो हजार काम करा लो इनसे। ध्यान रखिए, प्रशंसा के भूखे मत बनो। ध्यान रखना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मोल। अपनी कीमत हीरा थोड़ी बताता है, पब्लिक बताती है कि हीरे की कीमत क्या हुआ करती। खुद की प्रशंसा खुद ही करते रहो, करते रहो, करते रहो, मान महा विश्वरूप कर ही नीच गति जगत में। खुद की प्रशंसा में एक बार क्या हुआ, यमराज धरती पर आए और यमराज ने कहा अपने यमदूतों से कि जाओ, उस मूर्तिकार का समय हो गया, उसे लेकर के आइए। यमदूत आए, मूर्तिकार बड़ा होशियार था, बड़ा बुद्धिमान था, ऐसी मूर्तियां बनाता था, ऐसी मूर्ति कि मूर्ति को देख के आप कह नहीं सकते थे कि असली है या नकली है। एक बार उस मूर्तिकार ने सोचा कि यार दुनिया से मुझे भी जाना पड़ेगा, एक दिन नंबर आएगा। किसी वकील ने सलाह दे दी कि एक काम कर, तुझे यदि यमराज यमदूत लेने आए तो थोड़ा सा धोखा दे देना मौत को, मौत को धोखा। बोले हाँ। तो यम मर्ज मालूम है मूर्तिकार ने क्या किया, वकील की सलाह पर अपने जैसे 7 पुतले बना लिए, और एक दिन जब यमदूत लेने आए तो 8वीं जगह खुद जाके खड़ा हो गया। यमदूत ने देखा कि यार इसमें कौन है मूर्तिकार, ये 8ों के 8ों तो एक से लग रहे हैं, एक सी डिजाइन, एक सा कलर, एक सा रंग, एक सा रूप। यमदूत ने थोड़ी देर देखा, लौट गए। मूर्तिकार बड़ा खुश हुआ कि यार आज मैंने यमदूत को धोखा। जैसे ही यमदूत यमलोक वापस लौटे, यमराज ने कहा क्यों रे खाली हाथ आया? बोले तूने मेरा धंधा बिगाड़ दिया, जो भी जाता है खाली हाथ लौट के। बोले यमराज बहुत दिक्कत हो गई यमदूतों ने कहा। यमराज ने कहा क्या दिक्कत हो गई? अरे बोले किसको लेके आई, किसका नंबर है? अरे बोले तुम्हें अकल नहीं है, सबके नंबर फिक्स हैं, जिसका है उसे उठा लाओ। अरे बोले ब्रह्मा जी ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। बोले क्या गड़बड़ कर दिया? बोले एक सी डाई की
रूप बना दिए, एक सा चेहरा, एक सा रंग, एक सा रूप। अब बताओ कौन मूर्तिकार को लेकर आओ? वहां तो आठ आठ खड़े हुए हैं। यमराज ने कहा कुछ भी हो जाए, यम ब्रह्मा जी कभी गलती नहीं किया करते हैं, कोई ना कोई कमी जरूर रखा करते हैं। अरे बोले महाराज वहां कोई कमी नहीं है, आठों के आठों बिल्कुल एक से दिखाई दे रहे हैं। हमने एक घंटा देखा लेकिन समझ नहीं पाए कि असली मूर्तिकार किसका नंबर है, किसे लाए। यमराज ने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, एक मंत्र देता हूं। बोले मंत्र? बोले हां, एक मंत्र देता हूं, उन आठों के सामने एक मंत्र पढ़ना, जो असली होगा बाहर निकल आएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। इंसान कितनी भी चालाकी कर ले, हमसे ज्यादा चालाक नहीं। घोड़े कितने? घोड़े अपने यहां कितने? एकाध घोड़ा? 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, ध्यान रखना, और 18 करोड़ घोड़े। चलो घोड़ा भी बहुत बड़ी बात हो गई मेरे भाई। बारामती वालों जरा इतना बताओ, तुम्हारे घर में एकाध गधा तो होगा? गधा भी नहीं है ना, तुम्हारे घर में हाथी है ना, तुम्हारे घर में घोड़ा है ना, तुम्हारे घर में गधा, एकाध गधा। इधर मत देखो, महिलाएं इतनी होशियार है, गधे का नाम आती बोली इधर देख लो, विचार करिए। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, तुम्हारे घर में एक गधा भी नहीं है मेरे भाई। गधा रखने की हैसियत नहीं है तुम्हारी, और अकड़ इतनी है कि शायद चक्रवर्ती के बाप से भी ज्यादा अपने आप को